क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। बिहार में जहां एक और रामनवमी की तैयारियां तेज थी, हर तरफ भगवान राम की शोभा यात्रा निकाली जा रही थी और अचानक एक ब्लास्ट हुआ जिसके बाद सड़कों पर वीरानी फैल गई। जी हां, हम बात कर रहे हैं बिहार में हुए 1 अप्रैल के दंगों की, जिसकी गूंज से पूरा बिहार दहल उठा। लोग सहम कर अपने अपने घरों में कैद हो गए। चलिए बताते हैं आपको बिहार में हुए दंगे के बारे में। बिहार में हिंसा का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। रामनवमी के शुभ अवसर पर शोभा यात्रा के बाद हुए दंगे से पूरा बिहार प्रभावित है और ये सिलसिला लगातार जारी है। इस हिंसा में कई लोगों की मौत हो गई जबकि कई लोग घायल हो गए, जिनकी स्थिति अभी भी बेहद गंभीर है। बता दें कि 1 अप्रैल की शाम बिहार के सासाराम के शेरगंज इलाके में एक धार्मिक स्थल के बाहर बम ब्लास्ट हुआ था। बिहार में भड़की इस हिंसा में अब तक पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें कई लोग नालंदा से गिरफ्तार किए गए हैं तो कई लोगों को सासाराम से हिरासत में लिया गया है। इसके अलावा बिहार शरीफ के पास पहाड़पुर क्षेत्र में एक युवक पर फायरिंग हुई। फायरिंग में युवक की मौत भी हो गई। जिस व्यक्ति की मौत हुई है उसकी पहचान कर ली गई है। वही पुलिस ने मौत की पुष्टि करते हुए बताया कि 1 अप्रैल की हिंसा के बाद यहां 12 राउंड गोलियां चली थी। बिहार शरीफ में हुई हिंसा के भड़कने के बाद 9 अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। बात करें अगर दंगों की, तो बिहार शरीफ के पहाड़पुर में हिंसा के दौरान 12 राउंड गोलियां चली, जबकि काशी तकिया में हिंसा के दौरान 6 राउंड फायरिंग हुई। इसके अलावा सासाराम में भयंकर हिंसा की घटना सामने आई, जिसका असर रोहतास में भी देखने को मिला। सासाराम में हुई हिंसा के चलते रोहतास में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई, साथ ही धारा 144 लागू कर दी गई थी। साथ ही कई इलाकों में पुलिस टीम, स्पेशल टास्क फोर्स और पैरामिलिट्री फोर्स की भी तैनाती कर दी गई। वहीं रोहतास में शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूल, मदरसों और कोचिंग सेंटर्स को 4 अप्रैल तक बंद रखने का आदेश जारी किया है। बिहार में रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान पैदा तनाव से बवाल मचा हुआ है। कई इलाकों में हिंसा का खौफ ऐसा है कि कुछ लोग घर छोड़ कहीं और चले गए। अभी तक इलाकों में तनाव कम नहीं हुआ है, लोग अभी तक डरे हुए हैं। सासाराम और नालंदा पर हिंसा की आग ऐसे जली कि लोग सिहर उठे। बता दें कि रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान 2 गुट भिड़ गए। दोनों गुटों की ओर से पत्थरबाजी हुई और देखते ही देखते गोलियां चलने लगी। कई लोगों को गोली भी लगी। देखते ही देखते बेकाबू भीड़ ने आगजनी शुरू कर दी। कई गाड़ियां धू धू कर जलने लगी। ऐसा लग रहा था मानो कोई हिट फिल्म का फाइट सीन चल रहा हो, जहां बदमाशों को ना पुलिस का कोई खौफ होता है ना ही प्रशासन का डर होता है। हिंसक इलाकों में मानो वीरानी फैल गई हो। इस दौरान सड़कें जंग का मैदान बन चुकी थी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस हिंसक घटना को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की, साथ ही उपद्रवियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने पुलिस और प्रशासन को पूरी तरह अलर्ट रहने और पूरी मुस्तैदी बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने अफवाह फैलाने वालों पर भी नजर रखने के निर्देश दिए ताकि कोई अफवाह नहीं फैले और लोग भ्रमित ना हो, जिसके बाद लोगों से घरों में रहने की अपील की जा रही है। वहीं मुख्यमंत्री ने घटना में मृत लोगों के लिए संवेदना प्रकट की और मृत व्यक्ति के परिजन को मुख्यमंत्री राहत कोष से 5,00,000 रुपए का अनुग्रह अनुदान देने का निर्देश दिया। बिहार में रामनवमी के जुलूस के बाद हुई हिंसा को लेकर अब सियासत तेज होती जा रही है। बहुत से नेताओं ने इस घटना पर शोक व्यक्त किया है और अलग अलग प्रतिक्रिया दी। कई नेताओं ने इस घटना के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग की है। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग की है। भाजपा नेता का कहना है कि बिहार भी बंगाल की राह पर चल पड़ा है, यहाँ भी हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। वही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम नीतीश कुमार पर सीधा प्रहार किया और कहा कि बिहार के सासाराम और नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में दंगे हो रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, बम चलाए जा रहे हैं, इसके बावजूद सरकार इससे निपट नहीं रही है। वही गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया कि 2024 में लगातार तीसरी बार हमारी सरकार बनने पर बिहार में दंगा करने वालों को उल्टा लटका कर सीधा करेंगे, जिसके बाद अमित शाह के बयान पर बिहार में सियासत शुरू हो गई है। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री के आश्वासन पर सभी गरीब के सर पर छत का नारा दिया, उसी योजना का लाभ उठाने के उद्देश्य रूबी कुमारी ने गृह ऋण केनरा बैंक से 10,00,000 स्वीकृति हुआ, जिसमें प्रबंधक ने 3,10,000 रुपए पहले किस्त में दिया, उसके बाद प्रबंधक ने 1,00,000 नगद राशि वापस ले लिया। इसके बाद शाखा प्रबंधक द्वारा सप्ताह में दो दिन का चक्कर लगवाता और प्रबंधक द्वारा महिला को प्रताड़ित किए जाने लगा, जिसके बाद मामले में रूबी कुमारी ने प्रधान कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय में शिकायत पत्र देकर न्याय की मांग की। मैंने केनरा बैंक से 10,00,000 रुपया लोन लेने के लिए अप्लाई किया था, जिसमें से उन्होंने 3,10,000 रुपया दिया। उन्होंने कहा कि आप पहले वाउचर जमा कीजिए, बनाइए, उसके बाद हम आगे का पैसा देंगे। तो मेरे पास पैसा ही रहता तो हम उनसे लोन क्यों लेते। अब तो मेरे पास जमीन भी गया है और पैसा भी गया। जो आपको सर्टिफिकेट केस के बारे में पूछा गया, हमारे यहाँ लगभग 5 अकाउंट ऐसे हैं जिन पर सर्टिफिकेट केस हुआ है और बाकी डेटा अभी नहीं आया है, जैसे होगा पूछ करा दिया। ये हाउसिंग का है या बिजनेस का? बिजनेस लोन का, हाउसिंग का कोई भी हमारे पास सर्टिफिकेट केस नहीं है। अमाउंट पर्टिकुलरली फिगर अभी नहीं है हमारे पास, ठीक है, मतलब एग्जैक्ट फिगर नहीं है, लेकिन लगभग टोटल एमपीए हमारे पास है 75 कह रहा हूँ और उसमें से 20-25 कह रहा हूँ। खबर नवादा से, जो गृह मंत्री अमित शाह ने हिंसुआ के इंटर विद्यालय में आम सभा को संबोधित करते समय विपक्षी पार्टियों पर आरोप लगाया कि बिहार के सासाराम और नालंदा में दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हुई थी और अगर हमारी सरकार बनी तो दंगाइयों की खैर नहीं, और साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि बिहार में जल्द से जल्द शांति बहाल की जाएगी। बाबू, आपके जीवन में आपने कई पार्टियां बदली है, कई लोगों को धोखा दिया है, मगर एक बार जिस यूपीए में आप गए हो, लालू प्रसाद जी के साथ गए हो, इसने बिहार को क्या दिया बताइए। 2009 से 2014 में बिहार को सिर्फ 50,000 करोड़ रुपया केंद्र ने दिया था। कितना दिया था मित्रों? 50,000 करोड़। और 14 से 19 में मोदी जी ने 50,000 से बढ़ाकर 1,09,000 करोड़ बिहार को देने का काम। ये
पटना में जेडीयू मुख्य प्रवक्ता से एमएलसी नीरज कुमार ने जेडीयू के प्रदेश कार्यालय में एक सभा को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह पर जमकर निशाना साधा। वहीं नीरज कुमार ने कहा कि गृह मंत्री ने फर्जीवाड़ा में पीएचडी की है और साथ ही कहा कि गृह मंत्री ने बंगाल के सीएम के साथ भी ऐसा किया और अब संख्या ढांचे का अपमान करेंगे तो बिहार की जनता उनसे हिसाब लेगी। मेगावाट बिजली का उत्पादन होता वर्ष 2007 में भारत सरकार की केंद्रीय टीम न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने रजौली का दौरा किया और योजना के लिए पर्याप्त भूमि का निरीक्षण किया। 2013 में एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया ने रजौली का तुरंत दौरा किया और जरूरी जल की उपलब्धता की जांच की और पाया कि क्षेत्र में परमाणु संयंत्र चलाने के लिए पानी की कमी के कारण केंद्र सरकार की साइट सिलेक्शन कमेटी ने रजौली को परमाणु बिजली संयंत्र देने के लिए अयोग्य बता दिया। बिहार सरकार का बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड जो माननीय नीतीश कुमार जी ने बताया ने इस मुद्दे पर त्वरित कार्रवाई किया। हम विकास में तो समझौता नहीं करते हैं। रजौली के पास स्थित फुलवरिया डैम से परमाणु बिजली संयंत्र चलाने के लिए 160 क्यूसेज पानी उपलब्ध कराने का वादा किया। इसके अलावा बिहार सरकार ने कहा कि कमी रहने पर धनाजे नदी और यहाँ के गंगा नदी से भी पानी की उपलब्धता का वादा हमने किया। रविवार को नालंदा जिला अंतर्गत हिलसा कोरामा पथ के शाह बगीचा गांव के पुल के पास अनियंत्रित ट्रैक्टर ने साइकिल सवार एक बच्चे को टक्कर मार दिया, जिसके बाद बच्चे को आनंद फानल में इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई। बाढ़ अनुमंडल के वार्ड में ठेला दुकानदारों ने जमकर हंगामा करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। वहीं इस मौके पर हंगामा कर रहे दुकानदारों ने अनुमंडल अधिकारी कुंदन कुमार से मुलाकात की। उसके बाद अनुमंडल अधिकारी ने हंगामा कर रहे ठेला दुकानदारों को शांत कराया। बताया जाता है कि नगर परिषद द्वारा ठेकेदारी टेंडर होने के बाद मनमाने तरीके से ठेला दुकानदारों के साथ वसूली की जाने पर ठेला दुकानदारों में आक्रोश आ गया, जिसके बाद उन्होंने विरोध प्रदर्शन शुरू किया। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्राइम टीवी। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। अस्थमा हो या फिर आर्थराइटिस, डायबिटीज हो या फिर कोई और डिसऑर्डर, आपको मिलेगी सेहत से जुड़ी हर जानकारी। एक्सपर्ट्स देंगे अपनी राय। हेल्थ मंत्रा शनिवार और रविवार शाम 6 बजे सिर्फ प्राइम टीवी पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का, बढ़ते हैं खबर की ओर। मुजफ्फरपुर जिले के नगर थाना क्षेत्र के अजीबो गरीब में मामला सामने आया, जहां एक घर में साधु के वेश में कुछ बदमाशों ने घुसकर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। दरअसल शातिर बदमाशों ने हवन के नाम पर कुछ छिड़क दिया, जिससे महिलाएं बेहोश हो गई और चोरों ने आसानी से चोरी की घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए।
पूरा मामला क्या होगा, वो है ना हम कुछ छीने पे छिड़क दिया, उसे पता ही नहीं चला हमको क्या हुआ नहीं हुआ, पूरा होश में नहीं थे हम, पूरा सामान ले गया। क्या सरसों छिड़क दिया था, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम बेहोश हो गए। बहुत था, बहुत गाना था हमको, कान में का झुमका था, मंगती का था, चैन था, अंगूठी था, दो कान में का था, दो नाक में का था, क्या करके घुसा था घर के अंदर? पायल था, दो पायल था, एक सिंपल वाला, एक हवन के बोला था जी, फिर? हमको आया, हमको कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया, सर को छीट दिया था, हमको बेहोश हो गए थे, मारा ले गया उठा करके, पेटी उटी खोल खाल के अपने से, उसमें दस बार गहना सा ऊपर था, मंटिका उंटिका चैन उन अंगूठी उंगूठी सब था, ये सब मतलब उसके लड़की का ढोलना, तीन पंडित जी आया था घर में, घुसा वो अक्षर छिड़क दिया, उसको बोलने का समय ही नहीं दिया, अब उसको सब चकरा कर गिरी, उसके बाद अपना पेटी दो ही घट में दो ही गोटा था सामान, तो खोल कर सारा सामान ले गया वो लोग, और ले करके निकल गया सीधा, और घर के आदमी सब सोया बेहोश था, हमको क्या हुआ नहीं हुआ, रात को 10 बजे आए तो देखे सब मतलब गिरा हुआ था, तो हम सबको देखो उठाया उठाया तो कुछ सब कह रहे थे माता होता भारी हो रहा है, ये सब हो रहा है, तो फिर देखे सामान वहाँ छितरा है, तो हम गए पूछे तो बोला नहीं रहा था, सुबह हमको बोला कि ऐसा ऐसा बात है, घर में सामान से खोल खाल करके छीटा उठा पंडित जी तीन गुआ करके, तो पार्सल जी को जाकर बोले, तो पार्सल जी बोले कि आप वीडियो कर लेना। बिहार के सहरसा सिविल कोर्ट में बीते 28 मार्च को दिन दहाड़े एक कैदी प्रभाकर कुमार की सिविल कोर्ट परिसर स्थित बरामदे पर अज्ञात अपराधियों के द्वारा गोली मार कर हत्या कर दी गई, जिसके बाद इस हत्याकांड को लेकर सुरक्षाकर्मी सह प्रत्यक्षदर्शी कैलाश कर्ण के आवेदन के आधार पर 6 प्राथमिकी और 3 अप्राथमिकी अभियुक्तों पर FIR दर्ज कराया गया, जिसके बाद घटना के दिन ही एक अभियुक्त आलोक कुमार की गिरफ्तारी की गई और दूसरे अभियुक्त कार्तिक कुमार को घटना के दूसरे दिन गिरफ्तार किया गया और पुलिस बाकी आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। इस कांड के मुख्य अभियुक्त विवेक कुमार को गिरफ्तार किया गया, उसकी निशानदेही पे उसमें घटना प्रयुक्त एक देसी कट्टा एक गोली बरामद किया गया, उनकी निशानदेही पे कांड और प्राथमिकी अभियुक्त जो रेकी वगैरह कर रहे थे उसमें राजीव कुमार और अन्नु उर्फ विवेक दुबन से गिरफ्तार किया है, कांड में दो पूर्व अभियुक्त में कार्तिक और आलोक कुमार गिरफ्तार कर जेल भेजा गया और कांड के अन्य जितने भी अभियुक्त हैं उसकी गिरफ्तारी तो छापामारी की जा रही है, बहुत जल्द वो भी सलाखों के पीछे होंगे। मुख्य अभियुक्त की कहाँ से गिरफ्तार की गई? मुख्य अभियुक्त खबर पश्चिम चंपारण बेतिया के रामनगर से है, जहां रामनगर प्रखंड के ददरवा गांव में आग लगने से लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई। वहीं इस संदर्भ में BDC विनोद कुमार महतो ने बताया कि मुस्मात सुहदरी देवी के घर में देर रात अचानक आग लग जाने से फुसनुमा झोपड़ी जलकर राख हो गई और आग की लपटें इतनी तेज थी कि उस पर काबू पाना मुश्किल था। वहीं आग लगने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। आग अचानक लगा हुआ है रात में और ये लाखों का संपत्ति इसमें लॉस हुआ है, दो भैंसा है और 4-5 बकरी है, सुअर है और उसमें और सब संपत्ति था इन लोग का, तो लाखों का संपत्ति है, तो हम आग्रह करेंगे कि CO साहब और BDO साहब से मने जहां भी हो जैसे हो इन लोग का लाभ दिलाने का काम करें। हमको दरदरवा से फ़ोन आया कि दरदरवा में 9-10 बजे के करीब आग लगा हुआ है, जिसमें 7 बकरी, 1 सुअर और 2 भैंस और 1 जला हुआ है जो कि जिंदा है, जिसमें लाखों से ऊपर की संपत्ति जला हुआ है, कपड़ा लाता ये सब बर्तन भड़िया सब है, तो हम यही गुजारिश करेंगे CO साहब BDO साहब से कि मन इन लोगों का मुआवजा दिलाने का काम करेंगे। खबर वैशाली से है, जहां जिले के महुआ थाना क्षेत्र के गांधी चौक पर अपराधियों ने दवा दुकानदार की जमकर पिटाई कर दी और युवक को जान से मारने की कोशिश की और दुकानदारों के दुकान में आग लगाने की धमकी भी दी, जिसके बाद परिजनों में दहशत का माहौल है। तो जब वो निकला तो अपना ऑटो से ही एक लोहा टाइप का कोई रड निकाला और उस सबसे पहले उसी से हम पर अटैक किया, उसके बाद हम अपने आप को बचाने लगे, लोग सब दौड़े, तब तक वो ईंट
रड डंटा सब लेके तीन चार लोग थे, दो तीन हमको पकड़ रहा था, दो तीन मार रहा था, बोल रहा था कि तुमको आज खत्म कर देंगे यहीं पे, दुकान तुम दुकान यहाँ पे रख लेगा, दुकान भी नहीं जाने देंगे यहाँ पे, ऐसा बोलते हुए बहुत सारे लोग जब बीच बचाव किए तो वहाँ से वो भाग निकला और ये धमकी देते हुए गया है कि बाद में तुम जब दुकान से जब तुम उतर आओगे तो तुम्हारा जान से मार के और गाड़ देंगे। खबर गया से है जहां बाल विवाह, बाल मजदूरी, मानवाधिकार हनन और महिलाओं का शोषण व अत्याचार के साथ साथ सामाजिक कार्य के लिए गया निशुल्क राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन बिहार प्रदेश का पहला कार्यालय शहर के न्यू काली बाड़ी में उद्घाटन किया गया। कार्यालय सुबह 10 से लेकर शाम 5 बजे तक संचालित रहेगी और जो भी पीड़ित समस्या लेकर आएंगे रिपोर्ट के बाद कमेटी के सदस्यों के द्वारा जाँच कर संगठन के द्वारा उचित कार्यवाही की जाएगी। कार्यालय का उद्घाटन राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन कार्यालय का उद्घाटन माननीय वरीय अधिवक्ता रविंदर प्रसाद के द्वारा किया गया, जो पूर्व बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, वरीय अधिवक्ता भी है। हम मेरे संगठन का संस्थान का लीगल एडवाइजर भी है। आज के लिए बिहार की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ बाल पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in